समुद्र के पास जाने हमें। पहले अपने सारे पाप धोबी, नदियन में हमने सुना नदी में पाप धुला, तो हमने कहीं समुद्र में ज़्यादा धुल जाए, माए थोड़ी ज़्यादा है ना। फिर होते ऐसे सब चारों धाम के चक्कर लगाते हैं आप। चलिए देखिए बच्चों, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केम अनुभव, बस खत्म है चैप्टर, खत्म है, लास्ट लिखा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ देखो, बाद में लिखना आप, यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात करता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक में भी और न्यूट्रल में। हमने आपको जो ट्रिक्स लिखवाई है वो हर जगह फॉलो होगी, लेकिन दो तीन जगह, एक तो वहाँ पर चली गई वो तीन की जगह एक एक्टिव सपोज, और इसमें एक दो जगह पर जो है नहीं फॉलो होगी, बाकी सब जगह, ठीक है। देखो हमने आपको बता दिया था कि उसमें सब जगह के टू सी आर टू सेवन एक लेना है, इसमें सब जगह के एम ओ फोर दो लेना है, पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम। उसमें टू एस ओ फोर का रेशियो था आपका सेवन और सिक्स का, और जहाँ भी डिक्रीज करते थे इक्वल डिक्रीज करते थे, इसमें टेन और एट का है और डिक्रीज वही चलेगा, ठीक है। उसमें सिक्स के आई सेवन एट टू एस ओ फोर होते थे, इसमें टेन के आई एट एट टू एस ओ फोर, उसमें सिक्स एफ ई एस ओ फोर और सेवन एट टू एस ओ फोर होते थे, इसमें इतने। फिर उसमें आपकी एट टू एस वाली होती थी, इसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। बड़ी आसान रिएक्शन है, ठीक है, जो आपको ये याद करना है अच्छे से, और बाकी ट्रिक वही जो आपको सिखाई है, जितने भी के हो उसको के टू एस ओ फोर में ले जाओ। लेट्स सी के टू कितने हैं, टू और टेन ट्वेल्व, तो सिक्स लगाना पड़ेगा। जितना भी एम एन है उसको एम एन एस ओ फोर में, ध्यान रखना। एफ ई ओ सी आर हो तो एम एन टू एस ओ फोर फोलता है, लेकिन एम एन होगा तो एम एन एस ओ फोर में लिख लो, उसी ट्रिक में लिख लो, ये एम एन को एम एन एस ओ फोर में ले जाना है। टू एम एन है तो टू एम एन एस ओ फोर, ठीक है। जितना भी वाटर होगा, सॉरी जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको वाटर में, आठ ही है तो आठ एट टू ओ, सब हो गया, सिर्फ आयोडीन बीस बची है दस, तो फाइव आई टू रिएक्शन हो गई। आप चेक कर लीजिए बैलेंस है पूरा, यहाँ तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ये तो बड़ा सिंपल है, आपको मेहनत थोड़ी सी एक इस वाले में करनी है और इस वाले में करनी है थोड़ी सी मेहनत, इस वाले में भी थोड़ी सी है, इतनी सारी तो सही है, एक ही तो करी। चलो ये आ गई, वही जितने के हैं उसको के टू एस ओ फोर में, जितने भी के हैं उसको के टू एस ओ फोर में, जितने भी एम एन हैं उनको एम एन एस ओ फोर में, तो टू एम एन एस ओ फोर, जितने भी आयरन क्रोमियम हैं एफ ए टू एस ओ फोर होल थ्राइज या सी आर टू एस ओ फोर होल थ्राइज, तो इसमें आ जाएगा एफ ए टू एस ओ फोर होल थ्राइज, एफ ए टू एस ओ फोर होल थ्राइज कितना है दस, तो पाँच। और जितना भी हाइड्रोजन है वाटर में, वो कुछ नहीं बचा इसमें, रिएक्शन कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल। अब इक्वल डिक्रीज चलेगा, अगर इस साइड के पाँच डिक्रीज किए तो इस साइड के भी पाँच करने पड़ेंगे, इक्वल डिक्रीज का चलेगा, ठीक है। तरीका वही है, पूरा वही है सेम, जितने भी के हैं के टू एस ओ फोर, जितने भी एम एन है उनको एम एन एस ओ फोर में, टू एम एन एस ओ फोर, जितने भी कार्बन है उनको सी ओ टू में, और जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको वाटर में। चेक करें के टू एस ओ फोर टू एम एन है तो टू एम एन एस ओ फोर, देखो पाँच सी ए है, पाँच सी ए है, टोटल दस सी ए है, तो दस सी ओ टू हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन छः हाइड्रोजन जे हैं, मतलब थ्री एच टू जे हैं, फाइव एच फाइव एच फाइव एच टू जे हैं, तो थ्री एच टू फाइव एच टू एट एच टू बन गया, रिएक्शन खत्म। फिर इसमें वही पूरा सेम ट्रिक है, जितने के होंगे के टू एस ओ फोर में, जितने एम एन होंगे एम एन एस ओ फोर में,
ठीक है, जितने एन ए एन ओ टू होंगे उनको एन ओ थ्री में, तो फाइव एन ए एन ओ टू है तो फाइव एन ए एन ओ थ्री हो जाएगा, और जितने भी एच हैं वो वाटर में। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की ख़त्म हो गई। ठीक है, पहले पूरा समझ लो, बाद में लिख लेना, अभी नोट मत करो, हम ये खड़े रहेंगे, आराम से लिख लेना। अब बच्चों ये थोड़ी सी बेसिक मीडियम में थोड़ी सी आपको ये देखना है, ये थोड़ा सा वो है जो रूल नहीं होगा अपना ना वो वाला, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो H2SO4 आता है, लेकिन बेसिक मीडियम में थोड़ी H2SO4 आएगा कि हम MnSO4 ले जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा है, एसिडिक मीडियम था तो हमने H2SO4 रख दिया, अब बेसिक मीडियम है तो बेस बनेंगे। देखो पहले समझो, KI को KIO3 में ले जाना है KMnO4 के द्वारा, तो तरीका तो वही है कि 2KMnO4 लेना है। किसको ले जाना है? KI को, तो KI लिख दो, बेसिक मीडियम है, वाटर रखा है लेकिन बेस बन जाएगा। ठीक है, तो सभी रिएक्शन में 2KMnO4 लिखेगा, कोई नहीं, बिल्कुल भी पेन नहीं चलेंगे अभी। KI2KIO3, तो हमें तो पता ही कि सब चाहे जितनी भी रिएक्शन हो सब में 2KMnO4 लेना है, 2KMnO4 KI को KIO3 मिल जाए तो KI ले लिया, एक है टू, तो KI को KIO3 मिल जाना तो KI को KIO3 में ले जाओ। अब ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, 2K और यहाँ के HO से रिएक्ट करेगा, तो 2K और 2H, एक वो यहाँ से एक यहाँ से आ जाएगा, तो 2K और HO से रिएक्ट करके बन जाएगा 2KOH, और यहाँ पर जो MN है, यहाँ पर MN MnSO4 में जा रहा था क्योंकि SO4 था, लेकिन यहाँ का MN जाएगा MnO2 में, तो 2KOH KIO3 और 2MnO2। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी मेहनत से, एक ध्यान रखेंगे 2KMnO4 लेना ही है, KI को KIO3 में ले जाना, तो KI को KIO3 ले जाओ, H2 2KOH 2MnO2। अब बेसिक मीडियम में ही एक बेयर रिजेंट होता है जो पिंक कलर का होता है, ये बेयर रिजेंट है क्या? ठंडा पतला, कोल्ड डाइल्यूट, एल्केलाइन, बेसिक जो KMnO4 होता है बेयर रिजेंट कहलाता है, इसका कलर पिंक होता है, पतला कर देते हैं जब KMnO4 को तो वो पिंक सा दिखने लगता है, जैसे जामुन को छिलका छील तो अंदर पिंक होती है। इस रिजेंट का यूज पता किया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पता करने में, फाइंड अनसेचुरेशन, ये अनसेचुरेशन, तो अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसको KMnO4 के डायल्यूट एल्केलाइन और कोल्ड सोल्यूशन से पास करोगे तो रेड कलर की PPT आती है और पिंक कलर खत्म हो जाता है, ये इसका टेस्ट है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, H2O और OH, तो देखो H2O H2O ये हो गया, और एक O ये है, तो देखो एक OH 2OH, एक OH ऊपर जोड़ दो, एक OH नीचे जोड़ दो, रिएक्शन खत्म। पर ये तो रिएक्शन है, टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन ये है, पिंक कलर डिसअपेयर एंड रेड ब्राउन PPT फॉर्म, ये इसका आपका रिएक्शन है। अभी रुक जाओ, अब बात आए न्यूट्रल मीडियम की, H2S को S में ले जाता है न्यूट्रल मीडियम, यहाँ कोई बेसिक वगैरह कुछ नहीं रखा है, तो जब बेसिक मीडियम आए और न्यूट्रल मीडियम आए तो MnO को MnO2 में ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, और एसिडिक मीडियम में SO4 में ले जाना है। K का वही चल रहा है K2SO4, 2MN है 2MnO2, अब चेक करो क्या बचा, 4H2 बची अभी, तो 4H2 से हम 4H2 लिख दें, तो फिर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं हो रही, तो नहीं ऐसे थोड़ी ऑटोमेटिक कैसे निकाल दे, 4 2 8